हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एडमिशन 2022 के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैं लगातार कमेंट करते हैं व्हाट इज काउंसलिंग एंड प्रोसैस, ये आप अज वीडियो के फुल डिटेल के नाल डिस्कस करांगे। काउंसलिंग की है तो उसका प्रोसैस की रहने वाला है, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अंडर ग्रेजुएशन कोर्सों की जल्दी जी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 4 ते 5 अगस्त को। इस लिए तुसी अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अगर तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, ताकि सारे डाउट क्लीयर हो जाए, काउंसलिंग टाइम तुम्हें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना करके ना इशू होने करके वीडियो एंड तक जरूर देखो, सारे के सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। तो जो डिस्कस करिए सब तो पहला वट इज काउंसलिंग, तो काउंसलिंग की है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला काउंसलिंग प्रोसैस रहने वाला है। उसके लिए पहला सानू काउंसलिंग पता होनी चाहिए है। काउंसलिंग इस तरह एक प्रोसैस है जिस दे विच तुसी डॉक्यूमेंट ते सर्टिफिकेट तुहाडे वेरीफाई किए जाएंगे एडमिशन कमेटी के वलों। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक एडमिशन कमेटी बनी है डिपार्टमेंट वाइज। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जिमें जिमें डिपार्टमेंट होंगे उमें उमें एडमिशन कमेटी बनेगी। तुहानू डिपार्टमेंट वाइज ही तुहाडे डॉक्यूमेंट ते सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे, क्योंकि जो तुम फॉर्म फिल किया जी इनफॉर्मेशन फिल की सी बिल्कुल सही फिल की है ज नहीं, यही चीज़ उन्होंने चेक करनी है। जो तुहाडे कोल सर्टिफिकेट ने वो बिल्कुल करैक्ट ने। अगर उहदे विच कोई भी एडमिशन फॉर्म ते डॉक्यूमेंट दे विच कोई फॉल्स इनफॉर्मेशन पाएगी तो तुहाडी एडमिशन कैंसल भी हो सकती है। यही प्रोस्पैक्ट दे विच मैंशन किया गया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे वल्लों। एडमिशन कमेटी उस समय तुहाडी यह चीज़ चेक की जाएगी, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तुहाडा नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तुहाडे मार्क्स फिल जो किए ने वह फिल की हुई चेक करेंगे। उस तो बाद जी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट रहने वाले ने कमेटी चेक करेगी। इस करके ध्यान दे नाल तुसी अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट लैके जाने ने। हुण आपां डिस्कस करिए किस मोड के थ्रू काउंसलिंग होने वाली है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला काउंसलिंग ऑफलाइन मोड के होनी लाजमी है, तो यही नोटिफिकेशन आई है तो ऑफलाइन ही हो रही है। तो इस फिजिकली अटेंड होना जरूरी है। तो अगर तुम फिजिकली नहीं जा सकते फिर तुम काउंसलिंग नहीं अटेंड कर सकते। ऑफलाइन काउंसलिंग तुम्हें फिजिकली जाना पैना है। लोकेशन एंड प्लेस मैं अलग वीडियो डिस्कस किया, शेड्यूल के नाल लोकेशन एंड प्लेस भी डिस्कस किया हो, प्लीज़ वीडियो देख लियो। उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैंशन करने की कोशिश कराँगा। जी लोकेशन एंड प्लेस रहने वाली है कोर्स वाइज डिफरेंट रहेगी। जिमें साइंस जी साइंस डिपार्टमेंट है उनकी एडमिशन साइंस डिपार्टमेंट की कमेटी करेगी। जिन्हें भी आर्ट्स कोर्स होंगे अंडर ग्रेजुएशन के अंडर वो आर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आर्ट्स की एक एडमिशन कमेटी बनी है। उसकी लोकेशन प्लेस अलग होगी, आर्ट्स डिपार्टमेंट ही होंगे, तो सारे का डिफरेंट क्राइटीरिया रहने वाला है। तो मोड ऑफ एडमिशन फिर तो दस दे सॉरी मोड ऑफ काउंसलिंग फिर तो दस दिना, ऑफलाइन तुहाडी काउंसलिंग रहने वाली है। तुहानू उत्थे जाना पैना है 9 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक काउंसलिंग चलेगी। इस चीज़ में तुसी अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि 9 बजे तुसी पहुँच जाना है काउंसलिंग टाइम। उस तो बाद जो डॉक्यूमेंट्स से सर्टिफिकेट है काउंसलिंग के लिए सारे के सारे तुहानू ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए है। अगर तुहाडे कोल ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो तुहानू कुछ टाइम दिता जाएगा। जेकर तुसी उस टाइम तक नहीं लैके जा रहे जो तुहाडा कोई है इस तरह का डॉक्यूमेंट, आप जल्दी जल्दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट तुहाडे कोल फोटो कापीज होनी चाहिए, जिन्ने भी तुहाडे कोल सर्टिफिकेट है एट ए टाइम तुसी फोटो कापी करा जाओगे तो तुहाडी जिहड़ी काउंसलिंग हो रही है वो डिले हो जाएगी। शायद तुहाडी एडमिशन भी कैंसल हो सकती है जां वेटिंग दे विच पाई जा सकती है। इस करके फोटो कापी जरूर रखियो, जिन्नी भी फोटो कापीज होनी चाहिए जो भी एडमिशन कमेटी मंग करेगी तुहाडी फोटो कापी की DMC की सर्टिफिकेट की तुसी नाल दी नाल उन्होंने दे सको। उस तो बाद पासपोर्ट साइज घट्टो घट तुहाडे कोल अपनी 4 फोटो होनी चाहिए, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज दियां 4 फोटोज तुहाडे कोल होनी चाहिए। नीड पै सकती है, वैसे तो कोई नीड इदा की पैंती नहीं है, फिर भी तुसी अपने साथ रखनी है 1 या 2 अपने पेरेंट्स दियां पिक्स या अपना फोटो पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। जो डॉक्यूमेंट तुहानू दसे ने अलग वीडियो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो लिस्ट जी होगी वो वीडियो
मैं डिस्कस की है, वीडियो फुल होगी, वो लिंक है जरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चैक कर सकते हो। वीडियो के डिटेल ही डिस्कस की है कि डॉक्यूमेंट तुम काउंसलिंग के लिए चाहिए, तो वह वीडियो जरूर देखियो ताकि डाउट क्लीयर हो जाए। इस तो बाद जो थी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग तो बाद सीट अलॉट होगी, मतलब कि थोड़ी एडमिशन होगी, उस तो बाद फीस पे करनी पवेगी। एट ए टाइम तुम फीस पे करनी पवेगी, तुम फीस कितनी पे करनी पवेगी ये डिपार्टमेंट दसेगा। जो भी तुम उत्थे काउंसलिंग अटेंड करते हो तो फीस टू टाइप के मोड के नाल कंडक्ट की जा रही है यूनिवर्सिटी के वलों, एक तो कैश तो एक ड्राफ्ट। कैश या ड्राफ्ट के थ्रू तुम डिपार्टमेंट जाके फीस पे कर सकते हो, यही सारा काउंसलिंग प्रोसैस है। अगर तुम फीस पे नहीं करते, ये प्रोस्पैक्ट के भी मैनशन है, जेकर तुम फीस पे नहीं करते तो जी मिली है सीट वो कैंसल की जाएगी और नैक्सट स्टूडेंट या कैंडिडेट को दी जाएगी, या फिर तुम वेटिंग के भी पाया जा सकता है जेकर तुम फीस नहीं पे करते। अज सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्कस की है काउंसलिंग शड्यूल प्रोसैस। जेकर हजे भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है साडा डिस्कस कर सकता है, साडा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टैलीग्राम साडा चैनल है जीवी स्टेशन के नाम से, तुम मैसेज कर सकते हो। असी एक वट्सएप ग्रुप भी अलग तो बनाया हुआ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, वह भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके सानू दसना है तुहानू वीडियो किस तरह की लगी। आई थिंक तुहानू यह वीडियो बहुत वधिया लगी होनी है, तो बहुत हैल्पफुल होगी क्योंकि काउंसलिंग लैके उसके प्रोसैस में लैके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, तो इनक्वायरियां भी लगातार मैनू आ रही थी। शायद ये वीडियो देखने तो बाद उन्होंने डाउट जो मिट जा, इस करके तुसी वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त मित्र फैमिली ग्रुप के नाल, क्लास ग्रुप के डाउट क्लीयर हो जाए स्टूडेंट के। जेकर तुसी साडे चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना, तां जो इस तरह के अपडेट्स तुहानू लगातार इस चैनल के थ्रू मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।